सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ठीक है, ये एक नियम हो गया। अब दूसरा बताऊं, दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि पानी कभी भी पीना पड़े तो घूट घूट भर के ही पीना, एक साथ घटावट घटावट पानी नहीं पीना। ये बहुत गलत तरीका है पानी पीने। लोटा मुंह में लगाया और जब तक खाली नहीं होता हम हटाते नहीं, ये तरीका नहीं लेना पानी पीने का। इस तरीके से पानी का सबसे ज्यादा तकलीफ आपके ही शरीर में आती है। आयुर्वेद ने कहा गया जो घटाघट पानी पीते हैं घुटनों का दर्द उन्हीं को होगा, कमर का दर्द होगा, दांत के रोग होंगे। तो पानी घटाघट नहीं पीना। कैसे पीना? ऐसे पीना जैसे गर्म दूध पीते। गर्म दूध कैसे पीते हैं? एक एक घूट भर के पीते हैं ना, ऐसे ही पानी पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर दूसरा घूट पिया, फिर रुके, फिर तीसरा घूट, फिर चौथा घूट, घूट घूट भर के पानी पीना। आप बोलोगे क्यों? कारण बता दो। हमारा जो मुंह है ना, इसमें हमेशा लार बनती है, मालूम है? थूक थूक लार। MBBS वाले इसको स्लाइवा कहते हैं, सेलिवा स्लाइवा, हम लोग हिंदी वाले लार कहते हैं। ये जो लार है ना, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है। आपको मालूम है इसकी कीमत कितनी है? जो आप फोकट में थूकते रहते हो। हाँ, मैं इसकी कीमत बताना चाहता हूँ आपको। पहली बार जब मैं अमेरिका गया तब मुझे इसकी कीमत पता चली। अमेरिका में एक बहुत बड़ा संस्थान है, वो पता है क्या करता है? लोगों को अपने आप बुलाता है और एक बड़ा सा पात्र रख के कहता है थूको इसमें। तो वहां लोग थूकने को जाते हैं। मुझे पता चल गया, मैं भी गया, और 5 मिलीमीटर थूको तो 10,000 रुपए देते हैं। 5 मिलीमीटर जो थूक होता है ना, ये 10,000 रुपए का है। उसको फिर वो छोटे छोटे पैकेट में बंद करते और फिर बेचते, और वो खूब बिकता, थूक बिकता, लार बिकती। मैं पूछा उन लोगों से कौन खरीदता है इसको, तब उन्होंने कहा कि दुनिया में जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनको कैंसर होने में लार बनना बंद हो जाता है। आपने सुना है कैंसर के मरीज को कुछ भी खिलाओ तो सब कुछ उलट देता है। जब कैंसर चौथी अवस्था में पहुंचता है ना, तो वो आदमी पानी भी नहीं पी पाता, दूध भी नहीं पी पाता, कुछ भी पिलाओ तो उलट देता, क्योंकि मुंह में लार बनना बंद हो जाता है। लार नहीं है ना तो कोई चीज अंदर नहीं जाती, सब बाहर निकल जाती। तो जिनके मुंह में लार बनना बंद हो जाती है उनके मुंह में ये नकली लार डाली जाती है, और ये 10,000 रुपए की 5 मिलीग्राम आती है। इसको आप फोकट में थूकते हैं, तो आज से थूकना बंद कर। मैं माताओं बहनों भाइयों को सबको ये कहना चाहता हूं, आदमी को छोड़कर कोई जानवर नहीं थूकता कभी। आदमी को छोड़कर कोई पक्षी नहीं थूकता कभी। ये आदमी है जो थू थू मचाए रहता है, कितना नुकसान कर रहा है अपना सोचो। 5 मिलीग्राम थूक 10,000 का, 10 मिलीग्राम 20,000 का, सोचो। एक दिन में आधा किलो थूक दिया, लाखों रुपए का फालतू में फोकट में नुकसान कर दिया। इसको थूकना नहीं, फिर क्या करना? भगवान ने ये जो थूक बनाया ना लार, ये पेट में अंदर ले जाने के लिए बनाया। पानी को घुट घुट जब पियो तो ये बार बार लार पेट में जाती है। ये जो लार होती है इसको रसायन शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि ये क्षारीय होती है। अंग्रेज लोग इसको एल्केलाइन कहते हैं, MBBS वाले, ये क्षारीय है माने एल्केलाइन है। और आपने सुना पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है, कहते हैं ना तेजाब बन रही है, तेजाब बन रही है। तो अम्ल में ये क्षार मिले तो अम्ल को निष्प्रभावी कर देता। विज्ञान का एक सिद्धांत है, एसिड और एल्केलाइन दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो मुंह की छार माने लार बार बार पेट में जाकर अम्ल में मिले तो पेट का अम्ल शांत रहता है,
जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है उनका जीवन भर वात संतुलित रहता है, कफ संतुलित रहता है, और वात और कफ संतुलित रहे तो 108 बीमारियां कभी नहीं आती। इसलिए नियम बनाया गया पानी को घूट घूट पियो ताकि बार बार लार पानी में मिलके पेट के अंदर जाए और आपके अम्ल को शांत करे और आप जीवन भर निरोगी रहें। तो पानी घूट घूट पीना शुरू करो। अब आपको मैं एक जानकारी देता हूं, ये कि आप देखो पशु पक्षी पानी को हमेशा घूट घूट पीते। पक्षी को देखो, चिड़िया को पानी पीने आती है, कबूतर को देखो, तोते को देखो, वो चोंच में एक बूंद पानी उठाते हैं और धीरे धीरे चोंच चलाते हैं, फिर पीते हैं, फिर दूसरी बूंद उठाते हैं, फिर पीते हैं, फिर तीसरी बूंद। कितना धीरज है उनमें, एक एक बूंद पानी पीते। जानवरों को देखो, कुत्ता कैसे पानी पीता है, चाट चाट, शेर चीता लकड़ भग्गा सब चाट के पानी पीते। तो ये पशु पक्षी हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। मैंने आज तक किसी चिड़िया को ओवर वेट नहीं देखा, नहीं देखा, और किसी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को घुटने का दर्द नहीं है, कमर का दर्द नहीं है, क्योंकि पानी घूट घूट पीते हैं। आप भी ध्यान कर लो इस बात, ये मनुष्य है जो सब बीमारियों से लदा फदा है क्योंकि ये पानी को घूट घूट नहीं पीता, घटाघट पीता, घटाघट पानी घटाघट पीना बंद। कैसे पियेंगे, घूट घूट, एक घूट पिया, थोड़ी देर रुके, एक घूट पानी को मुंह में घुमाओ चारों तरफ, फिर पियो ताकि सब लार मिलके अंदर, समझ गए। दो नियम हो गए। अब तीसरा नियम है कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठें तो सबसे पहले पानी पिए। सवेरे उठते ही मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, पहले पानी पीना। क्यों, रात भर की मुंह की लार जो जमा है वो पानी पीते ही अंदर जाएगी, और सवेरे की लार सबसे ज्यादा कीमती है, फ्रेश है ना, सबसे ज्यादा कीमती, इसलिए उठते ही पानी पीना। कितना, विद्यार्थी लोग कम से कम 2 गिलास और बड़े लोग 3 गिलास। और पीने का तरीका घूट 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 घूट, ठीक है। दो फायदे होंगे, एक तो रात भर की लार अंदर गई, बहुत ताकत देती है वो, दूसरा उठते ही पानी पियो तो वो सारा पानी बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत की सफाई शुरू हो जाती है। 10-15 मिनट के बाद ही आपको प्रेशर बनेगा, आप संडास घर में घुटेंगे, घुसेंगे, 2-3 मिनट में बाहर आ जाएंगे। आयुर्वेद में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वस्थ है उसकी एक ही पहचान है कि उसको संडास घर में सबसे कम समय लगता है कि नहीं। आप टॉयलेट में घुसे, 2-3 मिनट में बाहर आए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन वहां आधे घंटे बैठ गए तो समझ लो बीमारों के बीमार हैं, समझ गए। तो उठते ही पानी पी लोगे, पेट साफ हो जाएगा, तुरंत संडास घर में गए, पेट साफ हुआ, बाहर आए तो उठते ही पानी पीना। कितना, 2 गिलास विद्यार्थियों को, 3 गिलास बड़े लोगों को।